हाँ जी, क्लास में स्वागत है आपका। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इन क्वेश्चन के बारे में, तो आपको बताना चाहेंगे सारे क्वेश्चन की वैल्यू है। इन क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है मेंटल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। तो सारे प्रोटोकॉल हैं जो क्यों बनाए गए, क्यों लाए गए हैं, इनके बारे में हम बताना चाहेंगे। इन क्वेश्चनों की जो है वैल्यू अलग ही है, क्योंकि हर बच्चा इस क्वेश्चन के बारे में समझ नहीं पाता क्या होता है, वो फिर अंधी मारता है इस क्वेश्चन के बारे में। तो बात करते हैं मेंटल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे मेंटल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है, जिसके बारे में बताना चाहेंगे हम कि असल प्रोटोकॉल बना क्यों। हर बात करते हैं पृथ्वी पर इतना ज्यादा मानव ने अधिक से अधिक दोहन शुरू कर दिया, जैसे कोयला हो गया, वन हो गए, खनिज संपदा का उसने इतना दोहन कर दिया है कि पृथ्वी को उसने क्या किया है, पृथ्वी ने हमें जो है अधिक से अधिक मात्रा में स्वच्छ दिया है, मगर हमने क्या उसको काला करने की कोशिश की है। वही अगर दिखना चाहेंगे केरल में आपको देखा जाओगे तो अधिक से अधिक वहां पर क्या हुआ, भयावह देखने को मिला है। यानी जैसा पृथ्वी को हम देंगे, पृथ्वी हमको क्या करेगी, प्रकृति हमको वैसा ही देगी। तो बात करते हैं मेंटल प्रोटोकॉल की। मेंटल प्रोटोकॉल ये होता है जिसमें कहा गया था कि ओजोन क्षरण से होगा, ओजोन क्षरण से, कि आपने देखा होगा कि 7 परतें होती है, सॉरी 5, 1, 2, 3, 4 और 5, इन्हीं में बात करते हैं ओजोन मंडल होता है, ओजोन परत होती है, समता मंडल पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ओजोन परत को नुकसान किसने पहुंचाया, तो ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाने वाला कौन होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और जो सौंदर्य, जो सारी सौंदर्य की वस्तुएं होती है, जैसे आपका देखा स्प्रे हो गया, बॉडी स्प्रे हो गया, और जो प्राकृतिक सारी बात करेंगे हम कि सुंदरता की जो चीजें वस्तुएं होती हैं वो सारी क्या है, ओजोन परत को जो है हानि पहुंचाती है, ठीक है। तो इसीलिए बात करना चाहेंगे कि मेंटल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है, ओजोन परत क्षरण से होता है, किससे होगा, ओजोन परत क्षरण से हो जाएगा, ओजोन परत क्षरण से होगा, ठीक। तो समझ लीजिए आप लोग, पृथ्वी के अगर क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस हानिकारक होती है, तो CO2 होती है। वायुमंडल के लिए सबसे अधिक गैस कौन सी हानिकारक होगी, CO2 होगी। अगर बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, किसके लिए होगा, तो ओजोन के लिए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत को पतला करने में किसकी मुख्य भूमिका है, तो ओजोन परत को पतला करने में मुख्य भूमिका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC की, CFC इसी के लिए बनाया गया था मेंटल प्रोटोकॉल, कि जो भी देश विकासशील देश है, विकसित देश है, तो कम से कम मात्रा में CFC का उत्पादन करें, जिससे कि हमारी पृथ्वी जो है बनी रहे, ओजोन लेयर बनी रहे। यदि ओजोन लेयर पतली होती है तो क्या होगा, जिससे कि मानव त्वचा पर कैंसर होना, त्वचा जल जाएगी गर्मियों में, और अधिक ही अधिक मात्रा में पृथ्वी क्या होगी, गर्म भी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन की। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत आता है, पृथ्वी सम्मेलन 1992, अगर बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 हुआ था। यह पर्यावरण को बचाने के लिए इसके बारे में सम्मेलन किया गया था कि सारे देश जो भी हैं अपना अपना ध्यान रखें कि हम विकास तो करेंगे, मगर पृथ्वी को ध्यान में रखकर करेंगे, ये नहीं कि पृथ्वी को हम हानि पहुंचाए जा रहे हैं और विकास में अंधे हो जाएं और हम पृथ्वी को हानि पहुंचाएं, वही पृथ्वी क्या करे, एक दिन हमारे विकास को धराशायी कर देगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग। तो क्वेश्चन आता है पृथ्वी सम्मेलन पहला कब हुआ था, पहला बात करते हैं फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 हुआ था। फिर अगर कहे पृथ्वी सम्मेलन ठीक कब हुआ, 1992 हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, है रियो सम्मेलन बोलते हैं, रियो सम्मेलन इसको जो है रियो सम्मेलन बोलते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं रियो सम्मेलन कहां पर हुआ था, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। रियो बात करेंगे अगर हम लोग, तो ब्राजील की राजधानी है, ब्राजील की राजधानी, ठीक, ब्राजील की राजधानी है रियो, वहीं पर सम्मेलन किया गया था। तो ये जो है पर्यावरण संबंधित मामला है। अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी सम्मेलन 5, कहते हैं क्वेश्चन क्या है, रियो प्लस फाइव, तो क्या होगा, 1992 में 5 जोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 1997 हो जाएगा। तो कब हुआ, 97 हुआ। अगर वो कहे रियो टेन प्लस, तो कितना हो जाएगा, 92 में कितना जोड़ेंगे हम लोग,
10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2002। ठीक, इस पूरा ध्यान रखिए आप लोग। अगर वो कहते हैं रियो 20, रियो प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 1992 प्लस 20 कितना हो जाएगा बताएं आप लोग भाई इसके बारे में। तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 11 यानी कि 2012 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता भी है, इस क्वेश्चन की वैल्यू भी है अपना, ध्यान रखिए। रियो जहां का है रियो 5 प्लस तो 92 प्लस कर देना, रियो 10 प्लस का है तो 92 प्लस कर देना, रियो 7 का है तो 92 प्लस करना, रियो 3 का है तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, बस इसमें प्लस करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक ठीक, अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल जो है, अगर बात करना चाहेंगे इसके बारे में बहुत ज्यादा है तो इसके बारे में पढ़ते हम लोग। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो होगा कार्बन से होता है, किससे होता है, कार्बन उत्सर्जन से होता है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन से होता है इसका है, समझ लीजिए आप लोग। तो बात करते हैं सबसे अधिक कार्बन कौन उत्पन्न करेगा, सबसे ज्यादा कार्बन उत्पन्न करेगा देश, कार्बन उत्पन्न करने वाला देश। ठीक, अब बात करेंगे प्रति व्यक्ति में कार्बन कौन करेगा उत्पन्न, प्रति व्यक्ति में कार्बन उत्पन्न करने वाला देश, ये क्या होगा, जीरो कार्बन उत्पन्न करने वाला। ध्यान रखिए आप लोग, तो बताइए सर क्या आंसर पता होगा आप लोगों को। अगर कहे जीरो कार्बन उत्पन्न करने वाला देश, जीरो कार्बन कहे सबसे अधिक कहे और प्रति व्यक्ति कहे, ये क्वेश्चन की वैल्यू है, ध्यान रखिए आप लोग, बहुत ही क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन आते भी हैं। तो जीरो कार्बन हो जाएगा भूटान, और सबसे ज्यादा कार्बन होगा चीन, और प्रति व्यक्ति में कौन होगा, अमेरिका, यूएसए बोले या अमेरिका, बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिए आप लोग कि जीरो कार्बन उत्पन्न करने देश कौन होगा, भूटान हो जाएगा, सबसे ज्यादा कार्बन कौन उत्पन्न करेगा, चीन करेगा, और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्पन्न करने वाला देश कौन होगा, अमेरिका हो जाएगा। कार्बन की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे यहाँ एसी, फ्रिज और अधिक से अधिक मात्रा में जो हमने देखा होगा गाड़ियां चल रही हैं, इनसे क्या होगा, कार्बन निकलता है, कार्बन निकलता है तो वायुमंडल क्या करता है, गर्म करने का काम करता है। आज जो ग्लेशियर के हैं पिघल रहे हैं, इससे क्या समुद्र का तल स्तर बढ़ रहा है, या समुद्र स्तर बढ़ेगा तो क्या होगी, या तो बाढ़ आएगी, या सूखा होगा, या फिर अकाल आएगा। तो इसी को मेंटेन रखने के लिए, अगर यदि हम पृथ्वी पर जैव विविधता को मेंटेन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी हमको खुद ही काला कर देगी। काला का मतलब क्या, एक भूकंप आएगा और पूरी समुद्रता पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। आज देखेंगे वर्तमान में छोटे छोटे द्वीप हैं जो डूब चुके हैं, तो हम समझ चुके होंगे आप लोग इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम।